अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थारे दोस्त मिस्त्री इमरान। आज छोक दसा सूँ कि ये मस्जिद दे असना एरे खड़े पे मस्जिद दी बुनियाद हैं। ये थोक दिस दी पे होसी एक चार आठ असा पाती पे हैं, क्योंकि मस्जिद जेले शुरू करन लग सो तो सा उद भी सब तो पहली गाल ए है कि थारे को कुतुब नुमा हुए। कुतुब नुमा तो एरे रखी दा वेंदा कुतुब नुमा हुए थारे कोलों उस दे उत्ते एरे सिद्धे की तवन ए सारी बिल्कुल बैक साइड दू कॉलम थोक नजर आने पे ए धुंद दी वजह नाल जरा थानो मूवी सही में दिस दी पई होसी। एक चार आठ साढ़े पा दबे ए हुन सामने सारे इत कॉलम नजर आवने जिथे खुदाई थी पई है। मजदूर लगा हुए खुदाई करें पे इत कॉलम आसी साडा इस दे परु एक कॉलम आसी इस दे उत्ते असं वत गुंबद देवने ज्यों ज्यों वत अगा मस्जिद सारी तैयार थी वे सी थोको अस वीडियो ये भेजें दे रहा सूँ तुसा लाइक करे सो थोको मौजूद मालूम मिलती पे सी। अच्छा बाज औकात इन होंदे भाई ये जो वीडियो दे दिन लोग आते भाई ये आ रहा इतना झिका क्यों नहीं ये हर जहाद ही अपने मिट्टी का हिसाब होंगे सारे को जिले बखर दे जी ये मिट्टी तकरीबन दू अढ़ाई फुट जेले इसकी खुदाई अस करूँ तले बिल्कुल पक्की मिट्टी आवेंगी बेहतरीन आवेंगी इसकी कोई टेंशन नहीं होगी। बाज औकात ऐसी जगह आवेंगी जिते तले नरम जमीन होंगी ये हम देखो तो हम सारे को तले ये मिट्टी बिल्कुल बेहतरीन है। इसको दुर्मण डाल हाले कुटे सुनी सही चले एक चार आठ पैसों एक चार आठ पास होते सरिया सरिया बांध के वातस होते चुनाई करे सो बाद जमीन ऐसी आ वी है कि जेले इतान हम दिसदा पिया उसी भाई ये थले सारे को बिल्कुल पक्की नहीं निकला इतों में असा जाल सटे सो जाल सट के पहले एक चार आठ पैसों उदू उत्ते बाद जाल सटे सो वहाँ तो उदू उत्ते एक दू चार पा के सेंटर कालम अस खड़ा करे सो ये चीज़ा जी ये लाजमी तो समझिया करो भाई एरा जरा है ये कितना मजबूत होना कितनी ये तले गहराई करनी चाहिए मिट्टी का हिसाब होने साढ़े जी बखर मिट्टी है बिल्कुल पक्की मिट्टी है ये दू अढ़ाई फुट त्राई फुट यो कुछ ज्यादा तो ज्यादा एरा वह मिट्टी तले पक्की आ वी इतने सारा दूजा कॉलम आवना ये देखो ये असं कड़े ने पे दूजे कॉलम खुदाई करने वास्ते थोड़े को बेलचा जरा है वो लंबे दस्ते वाला हो तो सही करके ये लंबा दस्ते वाला जरा हो सी वो मजदूर भी सौखा थी सी मिट्टी भी सही निकसी बेहतरीन निजाम नाल सही करके मिट्टी निकसी ये ले हूँ तैयार हो गए सी इस नालू वाद जना बेला सही दले सरिये वो थोक मैं दस है कि सरिये दे तले पैसों ये बजरी असं बनाने पे एक आठ जेरी अस उथा खड़ा मरीज अस पावे चार बजरी एक चार दमाद जरा उसी चार बजरी दूरे का एक बोल ये अपन तले लेन पैसे ये पाए वैसी हाथ उस दूसरे उस शुरू कर बजरी तो जारी डेग गिदी है ये अस इतों पैसों होने लगे दुकान वाले सारे लेवल के निशान तले लगे खड़ोती ये खड़ा टोटा छीन तो थ्रू आउट सूतर बन सो ना तो सामने ओ पर सामने थोक नजर आंदा पे उतू को थ्रू आउट सूतर बन के छिंजे पैर ठीए लैसू ठीए ला के वात अस बजरी पैसों ये लेवल का बिल्कुल खास ख्याल करना पौधे वाटर लेवल ना लेवल करे सो तो निशान लै सो उस सामने थोक दिसद पे उस सरिए ठोक खड़ोते इतना वाटर लेवल का सर निशान लगे थोक जरा सही नजर ना आंदा पे क्योंकि अज धुंद है अज मौसम की जरा खराबी है इस की थोक नज़दीक नहीं आनी पे सही वीडियो मेरा कोई मसला नहीं जन भी मस्जिद दायरा शुरू करे सो उदी बुनियाद तो चलो देख सो देख तले मिट्टी पक्की है या कच्ची है
मिट्टी पक्की कच्ची देख के बाद तुसन जनाब याला जेरी मैं थो को मेन चीज समझावना चाहना कि कुतुब नुमा थारे कोल होवे, कुतुब नुमा ते आ रहे निथे वंजन किबले दे थो रुख होवे ताकि वा तो मसले नहीं बन गए। किबला जेले कुतुब नुमा थारे कोल होसी उद ते आ रहे जेले थो फिट कर गन सो थो को कोई परेशानी ना आसी। बाद औकात में मिस्त्री रख दे देन लेकिन वो मस्जिद का नक्शा जरा होंगे वो सही नहीं होंगे, कुतुब नुमा तो मस्जिद नहीं होंगी, कुतुब नुमा मस्जिद के एरे लाजमी। मजीद अल्लाह के हुक्म जो अस अगर काम शुरू करें तो ये वीडियो मिलती रहसी तो तुम इसको लाइक पसंद करें। अल्लाह हाफिज़। आज के वास्ते बस इतना ही।